बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा जी हमारे साथ है, जिन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया है। सर, आपने शिवसेना में पक्ष प्रवेश किया है, क्या कुछ सोचकर किया है? आप करीब 14 साल तक राजनीति से कोसों दूर थे जी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं आर्ट एंड कल्चर का काम कर पाऊंगा। और आप जिस जगह पे हो के जैसे सरल है नेचर, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि आप अलाउ कर पाए मुझे वो किसी से सवाल पूछ के या ऐसे ही बिना बात के अटका दे। ही इज सरल नेचर है, सिंपल नेचर है, जो हम लोग में हुआ करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं साथ में जुड़ जाऊं, और किसी अपेक्षा से कि इसके अलावा कि आर्ट एंड कल्चर वाली मैं शायद ही इसमें ज़्यादा वो कह दे मुझे, तो मैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर मैं नहीं अपेक्षा करता। बताया जाता है कि कांग्रेस से जहां से आपने सीट जीती थी वो सीट शायद आपको मिल जाए, या मुंबई में कोई एक सीट मिल जाए, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या आपका ऐसा है कि अगर मिलती है तो मैं उसको जीत कर दिखाऊंगा, इस तरह की आपकी तैयारी है? अब उनका सवाल मुझे पूछ रहे हैं, उसमें मुझे मत आप पूछिए, उन्हें पूछिए। जयंत पाटिल ने आपके आपको लेकर कटाक्ष किया है, कहा कि जो अभिनेता फ्लॉप हुआ है उसको ले रही है शिंदे सेना, जो 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 हिट है, जो सुपर हिट है, ऐसे लोग को लिया जाए, ऐसे लोग को क्या कहेंगे? और पार्टी के लिए आपके आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? उनकी सोच में और सत्य में ये एक वो समझे कि फ्लॉप तब होता है जब पिक्चर लगती है। मेरे पिक्चर लगी ही नहीं है, और पिछले 14-15 वर्ष से मैं बाहर ही हूँ, उसके बावजूद ईश्वर की कृपा ने मुझे वहीं पे रखा हुआ है, नाम पे, इज्जत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग ने देखा है, आप लोगों ने, वो उस टाइम पे बच्चे रहे होंगे जिस टाइम पे मैंने पीक देखा। और मेरा पीक जो है, ईश्वर ऊपर वाला ने ये कृपा की है, पिक्चर ही नहीं रिलीज हुई है तो फ्लॉप कहाँ से होगी। तो हमारे साथ गोविंदा थे जिनको आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि इनकी तैयारी है, और विकास की वजह से ही उन्होंने शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की है। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।